हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सुखुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे जो हमारा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब जो विदेशी जो करेंसी होती है उससे हम लोग अगर अपनी करेंसी को कंपेयर करें तो किस एक्सचेंज रेट पर किस हिसाब से हम लोग उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखें, सबसे पहले कि भाई ये वाला चैप्टर होगा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये हमारे लिए एक 11th चैप्टर है इसके, और एक तरीके से आपका ये लास्ट चैप्टर भी है क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट 12th चैप्टर, उसको काफी हद तक तो सीबीएसई ने 2020-21 के सिलेबस से हटवा दिया है, ठीक है। सिर्फ उसका एक छोटा सा लेक्चर बनता है इंट्रोडक्शन का, वो सिर्फ एक लेक्चर की वीडियो होगी, ठीक है। तो आप लोग देखना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, यहां पर हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट है, मैनेज फ्लोटिंग है, काफी चीजें आपको यहां पर जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक के फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। कहता है फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू दी फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो विदेशी करेंसी होती है, जैसे हमारे प्यारे भारत की करेंसी क्या है, रुपीज में करेंसी है, ऐसे ही अमेरिका की क्या है, डॉलर में है, ब्रिटेन की क्या है, पाउंड स्टर्लिंग में है, चाइना की क्या है, युआन में है, ठीक है, जापान की येन में है, बांग्लादेश की टका में है, ठीक है। तो ऐसे करेंसीज होती हैं। और कहता है कि द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इन द कंट्री सेज इंडिया रेफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज। अब एक करेंसी, एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से व्यापार करेगी तो वहां पर मुश्किल आ जाती है कि कौन सी कंट्री किस करेंसी में पैसा लेगी, ठीक है। तो आप लोग देखना, मान लो मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बीच से हटा दूं कि दुनिया, पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है, डॉलर में बिजनेस करती है, ठीक है, क्योंकि डॉलर को एक कॉमन करेंसी माना हुआ है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो बहुत पुरानी वीडियो है कि भाई उसमें क्यों डॉलर को ही क्यों मानते हैं, पर देख के मान के चलो आप कि डॉलर को ही मानते हैं। अगर डॉलर, ये माना हुआ डॉलर ना होता तो क्या होता भाई, तो मान लो अगर इंडिया और पाकिस्तान व्यापार करते आपस में, सॉरी इंडिया और चाइना व्यापार करते आपस में, तब क्या होता भाई, क्या चाइना रुपीज में एक्सेप्ट करता या फिर इंडिया उसको युआन में पे करता, तो यहाँ पर दिक्कतें आ जाती। तो करंट कंट्रीज क्या करती हैं, अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से दुनिया की हर करेंसी का स्टॉक अपने पास बना के रखती हैं, और जो सेंट्रल बैंक होते हैं, हर देश का जो सेंट्रल बैंक होगा, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है, वो इस टाइप के एक्सचेंज रेट को, सॉरी इस एक्सचेंज को बना कर रखता है, इस एक्सचेंज को हमेशा वो मेंटेन करता है, ठीक है। आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज मेजर टू एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। जब पूरा एंटायर स्टॉक होगा हमारे पास फॉरेन करेंसी का, उसको जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर से, क्योंकि यूएस डॉलर को ही एज ए मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के तौर पर माना जाता है, ठीक है। कहता है कि द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी, जिस रेट से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको एक्सचेंज कर लिया जाए फॉरेन करेंसी से, तो उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको मैं कि भारत में, सॉरी जो अमेरिका का एक डॉलर है, अमेरिका का जो एक डॉलर है भारत में उसकी वैल्यू है, करंट मैं एग्जांपल दे रहा हूं बुक के अकॉर्डिंग, मान लो 50 रुपए, ठीक है। अगर एक रुपया है, एक डॉलर है, उसकी वैल्यू मानी गई है भारत में 50 रुपए, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग था बच्चे, अगर आप रियल की बात करते हैं तो वो आज की वैल्यू अप्रॉक्स 70 के ऊपर ही मिलेगी आपको, कि एक डॉलर इक्वल टू 70 रुपीज। अगर दो डॉलर की बात करते हैं तो वो मोर देन 150 के आसपास आ जाएगा, वो अप्रॉक्स 150 रुपीज के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। हर करेंसीज के हिसाब से अपना एक्सचेंज रेट होता है। हम लोग बात करते हैं, देखो कहता है इन द वर्ड्स ऑफ क्राउदर द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर, के जो दूसरे की एक करेंसी होगी यूनिट, उसके बदले में कितनी यूनिट्स दूसरी करेंसी की हमें मिलती है, एंड वाइस वर्सा,
ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होगा ये दो प्रकार का होता है, एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लोटिंग रेट भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर इसको सप्लाई डिमांड फोर्सेस की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा उसमें जो चेंज होता रहता है, मतलब डेली मार्केट की वजह से जो रेट चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको हम लोग कह देते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और इसको हम लोग फ्री एक्सचेंज रेट भी कह देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसके ऊपर सिर्फ मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल होता है, और वो मार्केट फोर्सेस कभी भी फिक्स्ड नहीं रहते, वो अप्स एंड डाउन में अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद कहेगा बच्चे के एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जिस रेट पर फॉरेन करेंसी की डिमांड की गई है इक्वल टू इट सप्लाई, उसकी सप्लाई के बराबर, कहता है जो पर रेट ऑफ एक्सचेंज होगा या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, हम लोग इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कह देंगे, ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसको निकालते कैसे हैं, तो कहता है सबसे पहले कि सबसे पहले उस फॉरेन एक्सचेंज की हम लोग डिमांड देखेंगे, हर चीज़ को यहाँ पर कॉन्स्टेंट कर देंगे, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी ना, अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो उस एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर सकें, उन सब को कॉन्स्टेंट रख के हम उस करेंसी की, उस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड देखेंगे, विच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस होगा उसके जस्ट इन्वर्सली उसका रिलेशनशिप होगा उन दोनों के बीच में, और वाइस एंड वर्सा, जितना ज़्यादा हाई रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का उतनी ही उसकी कम डिमांड होगी, ठीक है। आप एक डायग्राम की हेल्प से देख के चलना बच्चे, यहाँ पर जो आपके पास एक्स एक्सिस है वहाँ पर डिमांड शो कर रखी है फॉरेन एक्सचेंज की, और एक साइड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। पहले आर वन था हमारे पास, जो रेट था वो आर वन, उस टाइम पर जो करेंसी की डिमांड थी वो एन यूनिट्स की थी, जो हमारे पास 200 यूनिट्स की थी, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद जब प्राइस हो गए इंक्रीज, वो $50 पर डॉलर के हिसाब से इंक्रीज हो गए, वो $70 पर डॉलर के हिसाब से इंक्रीज हो गए, आर टू पर पहुंच गई, जैसे ही वो 70 रुपीज़ हुए वहाँ से जो डिमांड है वो कम हो गई 200 से 100 पर आ गई, और यहाँ पर आपके पास जो कर्व बनेगी वो हमारे पास डिमांड कर्व बनेगी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। ये था हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। इसकी हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि सप्लाई किस प्रकार से होगी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी देखना। सप्लाई होगी, सप्लाई का यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेंगे किसी करेंसी के, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेंगे, आप डायग्राम की हेल्प से देख के चलना, डिमांड और सप्लाई का कांसेप्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो इन्वर्सली रिलेशनशिप है, सप्लाई की केस में यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज हुए तो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे कहता बच्चे वो कि हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पर रेट ऑफ एक्सचेंज को कैसे समझते हैं, कहता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है, और पर रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि जहां पर सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो किसके बराबर हो, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के इक्वल हो। सिंपल सी बात, वहीं सप्लाई और डिमांड का केस है यहां पर, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, एक्स एक्सिस पर आपकी सप्लाई और डिमांड है, वाई एक्सिस पर वो रेट ऑफ एक्सचेंज है, जहां पर सप्लाई और डिमांड की कर्व एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। अब आगे कहता है बच्चे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है डिमांड और सप्लाई में, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो भाई इम्पैक्ट, हम लोग सबसे पहले इम्पैक्ट देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाए, आप पॉइंट लेके चलना बच्चे यहाँ पर, कि जो पॉइंट बनता है आपका, आप कर्व देखना, जो आपकी ब्लू कर्व है, ठीक है, जो आपकी ब्लू कर्व है, आर प्राइस है आपके, जहाँ पर आर रेट है और क्यू क्वांटिटी है, वहाँ पर जो कर्व बनती है, ठीक है, वो कर्व तो आपके लिए नॉर्मल कर्व है। अगर उसके प्राइस इंक्रीज कर जाए, ठीक है, उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाए, तो वो कर्व इंक्रीज होके कहाँ पहुँच जाएगी हमारी, वो कर्व इंक्रीज होके हमारी डी वन पर पहुँच जाएगी, ठीक है, वो कर्व इंक्रीज होके डी वन पर पहुँच जाएगी। और ये केस कब होगा, ये केस हमारा कब होगा, इसका केस का कारण होगा भाई तब जब एज्यूम, कहता है एक्सचेंज रेट देख के चलना आप लोग, एक्सचेंज रेट में कुछ चेंज हो, जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर कुछ चेंज हो। मान लो पहले ओआर जो प्राइजेस थे हमारे पास, ओआर की जो क्वांटिटी थी वो 60 रुपीज़ थे, कल को उसके प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है,
ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया, तब वो कर्व भी हमारी डिमांड भी इंक्रीज वहां पर हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर आपके पास एक पॉइंट आता है, इसको हम लोग कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, कि करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया गया। मतलब पहले तो एक डॉलर के बदले 60 रुपए हमें देने पड़ते थे, अब हमें एक डॉलर के बदले 70 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई है। पहले हमारी करेंसी की बराबर थी वो 60 रुपए बराबर होते थे, अब 70 रुपए होने लग गए, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। यहाँ पर अगर करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, करेंसी का एक्सचेंज रेट कम होता है तो करेंसी एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है बच्चे दूसरे केस हमारे पास, अगर डिमांड में डिक्रीज हो जाए, डिमांड कम हो जाए फॉरेन करेंसी की, तो वही कर्व जस्ट अपोजिट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, 60-50 हुआ है। ठीक है, ये सेम केस था भाई करेंसी एप्रिसिएशन का। तीसरा केस हमारे पास बनता है भाई इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई इंक्रीज कर जाए, वही सप्लाई की कर्व आपके पास, सप्लाई इंक्रीज कैसे करेगी, जब प्राइस डाउन होंगे तभी सप्लाई उसकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सप्लाई हमारी बनेगी। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज करना जब क्वांटिटी इंक्रीज करे, क्वांटिटी इंक्रीज कब करेगी, तब जो रेट है अगर वो कम हो जाएंगे, ठीक है, तो आपकी सप्लाई पर असर पड़ता है वहाँ पर। और चौथा इंपैक्ट बनता है आपके पास बच्चे, देखो आप कर्व की हेल्प से समझ लेना है सप्लाई इंक्रीज वाले पॉइंट को। और जो आपके पास लास्ट पॉइंट बनता है सिचुएशन नंबर 4, जो आपकी बनती है इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, के डिक्रीज सप्लाई की डिक्रीमेंट कैसे होता है और वो कर्व की हेल्प से हमें कैसे शो करता है, जब प्राइजेस इंक्रीज कर जाए पर करेंसी के हिसाब से, मान लो पहले थे वो 60 फिर हो गए वो 70, तो हमारी सप्लाई पर वहां पर भी असर पड़ेगा, सप्लाई कर्व हमारी लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी, और जब इंक्रीज हुई थी सप्लाई तब वहां पर वो राइट को शिफ्ट करती है हमारी सप्लाई कर्व भाई। ठीक है, उसके बाद बच्चे वो कहता है हमारे पास के जितनी भी हमारी सप्लाई कर्व है बच्चे, ठीक है, ये दो पॉइंट में आएगी हमारे पास। पहला एक तो हमारे पास देखो कि जो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आप इसका बेसिक सा डिफरेंस है ये समझ लेना। कहता ये वो सिचुएशन है जहां पर फॉल ऑन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में कमी आ जाए, हमें पहले ज्यादा एक्सचेंज रेट करना पड़ रहा था, अब कम एक्सचेंज रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अपोजिट केस है डेप्रिसिएशन में। ठीक है, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय ऑन 1 US डॉलर, कि अब कम रुपए चाहिए 1 US डॉलर को खरीदने के लिए, तो एप्रिसिएट हो रही है करेंसी, और वहां पर ज्यादा करेंसी चाहिए, ज्यादा रुपीज चाहिए 1 US डॉलर को खरीदने के लिए, तो करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है। इसके कारण है वो भी आप पढ़ लेना आसानी से बच्चे, सिंपल से हैं जो मैं एग्जांपल्स में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास कि जो ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, हम लोग ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को तो समझ लिया है, अब हम लोग कवर करेंगे इस फिक्स एक्सचेंज रेट को, कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप लोग देख के चलना इसको। सबसे पहले कहता है When it is set and maintained by the government at particular level, के फिक्स एक्सचेंज रेट को सरकार सेट करती है, मैनेज भी उसको गवर्नमेंट करती है, तभी तो वो फिक्स रहता है। ठीक है, मे सेट इट एट लेवल ऑफ हायर एंड लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज, जो इक्विलिब्रियम का एक्सचेंज होता है उससे थोड़ा हायर लोअर पर इसको सेट कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल देख के चलना भाई, वेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है जब उससे ज्यादा हायर पे सेट किया जाए, आप कर देखना इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनता है ई पे, ठीक है, पर उसको सेट कर दिया गया जहां पर पॉइंट टच किया पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। ठीक है, क्यों सेट किया गया है बच्चे, कहता है देखो आप लोग पॉइंट पढ़ के चलना इसके। सबसे पहले कहता है कि द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज हैज बीन डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है अगर उसको लोअर करना हो, उसको उसको डेप्रिशिएट करना हो, तो ये पॉइंट बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करना, और ये कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन का मतलब बच्चे डेप्रिशिएशन से उल्टा अलग होता है, सेम नहीं होते। ठीक है, अलग किस प्रकार से होता है, डेप्रिशिएशन में तो क्या होता है, करेंसी अकर्स When the value of domestic currency reduce, कि जब किसी domestic currency की value reduce हो जाए, ठीक है, उसके market forces के कारण, पर devaluation में क्या होगा, जब government इन्हीं उसको intentionally reduce कर दे,
गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को अपने इंटेंशनली रिड्यूस कर दे एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर बेसिक सा डिफरेंस था भाई, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास के इम्प्लीकेशंस ऑफ डिवेल्यूएशन। उस डिवेल्यूएशन के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या क्या उसका असर पड़ता है। कहता है कि अगर डिवेल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर डिवेल्यूएशन होता है तो फॉरेन करेंसी की एक्सेस सप्लाई हो जाती है, ठीक है। मार्केट में वो और ज़्यादा सप्लाई होगा। मान लो हमारी करेंसी के बदले पहले एक रुपए के बदले हमें 50 रुपए देने पड़ते थे, अब उसको डिवेल्यूएट कर दिया गवर्नमेंट ने किसी डिसीजन की वजह से, तो अब हमें 1 रुपए के बदले 70 रुपए देने पड़ते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, फॉरेन करेंसी तो वो तो खुश हो जाएंगे, उनकी करेंसी के बदले उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो अपनी सप्लाई को इनक्रीज कर देंगे, ठीक है भाई। और अपोजिट केस इसका डिप्रिसिएशन में पड़ता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर उसी एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम लेवल से लोअर कर दिया जाए, आप लोग देखना यहाँ पर डायग्राम में ई का पॉइंट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है, उससे सेट कर दिया गया कम पे उसको, ठीक है, पी और क्यू पे। इसके सिचुएशंस क्या होंगे, कहता है यहाँ पर एप्रिसिएशन होगा और रिवैल्यूएशन होगा। एप्रिसिएशन होगा इन जस्ट अपोजिट ऑफ किसके, डेप्रिसिएशन के, और डिवेल्यूएशन के अपोजिट होगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब क्या, गवर्नमेंट जब किसी इंटेंशनली अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देती है 70 के बदले 60, एप्रिसिएशन में क्या होगा कि जब मार्केट फोर्सेस चेंज करते हैं, मार्केट फोर्सेस किसी करेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिक सा डिफरेंस है एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में, इनको भी आप आसानी से पढ़ लेना। देखो यहाँ पर वो डिफरेंस दे रखा बच्चे, इसको कवर अप कर लेना। और ये बिल्कुल सेम है, सॉरी बिल्कुल सेम नहीं, जस्ट अपोजिट है किसके, जो डिवेल्यूएशन और डेप्रिसिएशन है उसके, ठीक है। कुछ इंप्लीकेशन इसके भी होंगे, रिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड इन द फॉरेन करेंसी ऑफ फॉर फॉरेन करेंसी। फिर रिवैल्यूएशन क्या कर देगा, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है उसको इंक्रीज कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में, और आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस इंक्रीज इन डिमांड। आरबीआई उस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करेगा, ठीक है, सप्लाई को इंक्रीज करके विद इट्स फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। आगे कहता है बच्चे देखो, लेस डेवलपमेंट कंट्रीज ऑफन डिवेल्यूएट देयर करेंसी, कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कम विकास वाली कंट्री हैं, वो अक्सर अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवेल्यूएट करती रहती हैं। क्यों करती रहती हैं भाई, सबसे पहला कि जितनी कम करेंसी की वैल्यू होगी उतने ही उनको एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा मिलेगा। मतलब मुझे डिवेल्यूशन में क्या होगा, सरकार ने कोई रूल बनाया है, पहले तो मुझे $1 के बदले मिलते थे 50 रुपये, ठीक है, देने पड़ते थे मुझे, अब मुझे $1 के बदले मिलते मुझे 70 रुपये, तो एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होगा। कल को मैंने सामान बेचा है, मान लो मैंने 10 रुपये का सामान बेचा है, तो मुझे पहले मुझे मिलते थे $10 के बदले $500, ठीक है, अब मुझे मिलेंगे $700, तो एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा हुआ है मेरे। और ऐसे ही इम्पोर्ट्स में यहाँ पर घाटा होता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाते हैं और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है जो, ठीक है, कहता है फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि लोग बाहर से पैसा भी फिर ज़्यादा लगाते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि वो एवरी डॉलर के मुकाबले वो ज़्यादा है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपके पास बनता है लास्ट टॉपिक बच्चे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हम एक्सचेंज रेट के तौर पर पहले गोल्ड सिस्टम को भी चूज करते थे, गोल्ड सिस्टम था हमारे पास एक्सचेंज रेट का। वो क्या होता है बच्चे देख के चलना आप लोग, एन ओल्ड वेरियंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये भी एक तरीके का फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, पर ये पुराने टाइप का है। मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो गोल्ड सिस्टम है उसको एक्सचेंज रेट पर लिया जाता था, ठीक है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट के तौर पे। मेनली क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रीवलेंट इन मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920 से पहले बहुत प्रायर था ये बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पहले गोल्ड को एक कॉमन पैरिटी लिया जाता था एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। फिर करेंसी अपनी हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन कर देती थी गोल्ड के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसिडर्ड गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। जो करेंसी है गोल्ड की वो उसके अकॉर्डिंग अपनी करेंसी की वैल्यू को, ठीक है, वो डिसाइड करते थे, ठीक है। आप मान के चलना, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बच्चों आपको मैं यहाँ पर, आप देखना। मान लो पाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, 4 ग्राम का जो गोल्ड है
वो 2 ग्राम के गोल्ड, जो 1 पाउंड की वैल्यू है वो 4 ग्राम के बराबर है, और 1 US डॉलर की वैल्यू 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो 2 US डॉलर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 पाउंड के बराबर होगी। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है बच्चे, ये वैल्यूज है अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से। ठीक है, इसको हम लोग आल्सो नोन एज मिंट पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होगा इसको मिंट पर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास लास्ट है ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये 2 सिस्टम है, मेनली पेपर में आ भी जाते हैं बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, देख के चलना अच्छे से। ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब है ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, अलाउड सम एडजस्टमेंट, जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो सकती हैं, एडजस्टेबल नेचर है इसका। ठीक है, एडजस्टेबल किस अकॉर्डिंग कहता है, सबसे पहले डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज US डॉलर। बहुत सारी करेंसीज को एक करेंसी के इक्वल कर दिया जाता है, उसको इक्विवेलेंट रख लिया जाता है, उसके पैक्ड कर लिया जाता है, जैसे US डॉलर के। US डॉलर वॉज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट फिक्स प्राइस, US डॉलर को एक फिक्स प्राइस पर गोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। तीसरे पॉइंट में कहता है वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जब एक करेंसी की वैल्यू को हम लोग गोल्ड के टर्म्स में मान लेते हैं तो सॉरी यूएस टर्म्स में मान लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो गोल्ड की भी वैल्यू बन जाती है। फोर्थ पॉइंट में कहता है गोल्ड कंटिन्यूड टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी, गोल्ड को एक अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी माना जाता है। ठीक है, 2 करेंसीज के बीच में। फिफ्थ पॉइंट में कहता है एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वॉज पॉसिबल बट इफ ओनली इफ अलाउड बाई IMF, के जो एडजस्टमेंट है पैरिटी की वो अलाउड तो है पर कब, जब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको अलाउड करे तब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। और पर इस सिस्टम को 1977 में अबंडेंट कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, और हटाया किससे था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से, कि जो मार्केट का डायनेमिक रेट सिस्टम है ना जहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, तब इस टाइम पर उसको हटा दिया गया था बच्चे। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट में है जो फिक्स एक्सचेंज रेट है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इनके बीच में एक कॉमन सा डिफरेंस है, उसको आप रीड कर लेना बच्चे। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद एक लेक्चर और रहता है इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।